वसुंधरा की खामोशी राजस्थान में बड़े तूफान का संकेत। राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा को बना सकती है सीएम उम्मीदवार। वसुंधरा के कद का कोई नेता ना होना हाईकमान की बढ़ा रहा है मुश्किल। बीजेपी संगठन में वसुंधरा समर्थकों का दिख सकता है दबदबा। राजस्थान में इस समय बीजेपी के अंदर हलचल सी मची हुई है। पार्टी में वसुंधरा राजे के कद के बराबर का कोई दूसरा नेता नहीं, लेकिन पार्टी में वसुंधरा ने एक तरह से खामोशी की परेशानी करने वाली है। पार्टी के तीन प्रमुख पदों में से एक पर भी वसुंधरा समर्थक नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी किसी कैंप के नहीं है। विधायक दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया दोनों ही वसुंधरा विरोधी हैं, जिससे संकेत जा रहा है कि वसुंधरा राजे को किनारे लगाया जा रहा है। लेकिन हाईकमान को भी इस बात का एहसास है कि राजस्थान में उसकी वसुंधरा के बिना नैया पार नहीं हो पाएगी। जैसे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत बीएस येदुरप्पा की पड़ती दिख रही है, वैसे ही राजस्थान में उसे वसुंधरा की जरूरत दिखाई दे सकती है। ऐसे में दावा तो यहां तक हो रहा है कि बीजेपी सीएम फेस के रूप में चुनाव में पहले वसुंधरा राजे सिंधिया पर ही दाव खेल सकती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह भी वसुंधरा की लोकप्रियता को माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास राजस्थान में वसुंधरा के मुकाबले कोई बड़ा स्वीकार्य चेहरा नहीं है। हालांकि सीएम पद की दावेदारी को लेकर वसुंधरा राजे पूरी तरह से खामोश हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनका कहां इस्तेमाल करना है ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, हाईकमान जैसा निर्देश करेगा उसका पालन करेंगी। दरअसल इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपने रिश्तों को सहज बनाने की कोशिश कर रही हैं। 2018 में शाह के साथ वसुंधरा के रिश्ते बेहद तल्खी भरे हो गए थे। उस दौरान अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वसुंधरा राजस्थान की सीएम। शाह के कई फैसलों पर वसुंधरा ने राजस्थान में वीटो लगा दिया था, जिस कारण से हाईकमान वसुंधरा से नाराज था। और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद वसुंधरा पूरी तरह से किनारे कर दी गई थी। वसुंधरा को केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन वसुंधरा राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। और अब जब चुनाव 7 महीने का वक्त उसमें बचा हुआ है, वसुंधरा की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भले ही खामोश हों, लेकिन उनके गुट के नेता काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जमकर बयानबाजी हो रही है। हालांकि इन बयानों पर पार्टी की ओर से किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण या कार्रवाई अभी तक सामने तो नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि पार्टी आलाकमान वसुंधरा राजे समर्थकों को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें बीजेपी की ओर से कई स्तर पर सर्वे कराए जा रहे हैं, और अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो बीजेपी के फेवर में बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत फैसला ले रहे हैं उससे बाजी पलट भी सकती है। ऐसे में चुनाव से पहले मोदी अमित शाह वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बीच खबर हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सीपी जोशी की वसुंधरा राजे के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की भी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि संगठन को लेकर जोशी ने वसुंधरा से चर्चा की है, ताकि चुनाव से पहले वसुंधरा समर्थकों को उचित स्थान संगठन में दिया जा सके। मतलब साफ है कि नई राजनीतिक नियुक्तियों में वसुंधरा राजे का दखल रहेगा। बीजेपी से राज्यसभा के पूर्व सांसद और वसुंधरा समर्थक राम नारायण डूडी ने जोधपुर में पार्टी को बिना दूल्हे की बारात बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान बीजेपी में दूल्हे का अभाव है, बारात में चलना है दूल्हा तो है ही नहीं, बारात किसके लेकर जा रहे हैं, जब आगे दूल्हा होगा तो बारात होगी। साफ है कि वसुंधरा समर्थकों की ओर से सीधे सीधे उनकी दावेदारी की बात की जा रही है। डूडी ने कहा कि राजस्थान में पिछले 20 सालों में 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी का राज रहा। निष्पक्ष रूप से दोनों के कार्यकाल पर नजर डालें तो जितना विकास का काम वसुंधरा के कार्यकाल में हुआ उतना राजस्थान में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राजस्थान बीजेपी में दूल्हे का अभाव है, बारात में चलना है तो दूल्हा तो है ही नहीं, बारात किसके लेकर जा रहे हैं, जब आगे दूल्हा होगा तो बारात होगी। साफ है कि वसुंधरा समर्थकों की ओर से सीधे सीधे उनकी दावेदारी की बातें की जा रही हैं। डूडी ने कहा कि राजस्थान में पिछले 20 सालों में 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी का राज रहा। निष्पक्ष रूप से दोनों के कार्यकाल पर नजर डालें तो जितना विकास का काम वसुंधरा के कार्यकाल में हुआ उतना राजस्थान में कभी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन।